कितने अच्छे से मसाला अंदर जा चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा पीसेज है, अच्छे अच्छे बड़े पीसेज है। और बाप, और मिक्स करेंगे ये अच्छे से। और बिरयानी खाने का बताया ना, हाथ में ही मजा आया सर। कपल बिरयानी। हे फूडीज, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो अभी हमें पटना के सबसे फेमस जगह पे मरीन ड्राइव जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहता है, और यहाँ पे एक कपल है जो बिरयानी बेचते हैं और आप लोगों को खिलाते हैं काफी टेस्टी सा। चलिए अब इनसे बात करते हैं, कैसे शुरुआत किया इन्होंने, पूरा स्टोरी जानते हैं इनके थ्रू। तो बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम समुज्वल है। मेरा नाम मेघा। आप दोनों हस्बैंड वाइफ? जी हाँ सर, हस्बैंड वाइफ है। स्टोरी बताइए, क्या कैसे स्टार्ट किया आपने? सर स्टोरी ऐसा है कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था सर, 2009 ऑनवर्ड्स में जॉब में था। अलग अलग कंपनीज, एडटेक कंपनी से मैंने जॉब किया है। रिसेशन के टाइम आए हैं, लेऑफ्स के सीजन में मेरी भी जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद सर ऑफर्स मिल रहे थे सर जॉब के, उसमें बहुत कम सैलरीज ऑफर हो रहे थे। तो हमने सोचा कभी ना कभी कुछ तो अपना प्लान करना है, तो हमने सोचा क्यों ना खुद का कुछ वेंचर शुरू किया जाए। वाइफ मेरी जो है बिरयानी घर पर बहुत अच्छा बनाती थी। हाँ सर, इन लोगों को मेरी बिरयानी बहुत पसंद आई शुरू से ही। धीरे धीरे सर सीखा हमने बिरयानी बनाना, बिरयानी और परफेक्ट कैसे बनता है इतने लोगों, क्योंकि पहले हम लोग कम अमाउंट पर बनाते थे, अब इतने सारे लोगों के लिए बनाना है तो धीरे धीरे परफेक्शन आता है। बिरयानी ही क्यों? द मोस्ट सर्च्ड फूड अगर आप इंटरनेट पर करेंगे तो आपको इंडिया में बिरयानी मिलेगा। तो हमने सोचा क्यों ना उसी को। बट सर बिरयानी सबका आर्ट नहीं है, बट आई हैड ट्रस्ट ऑन माई वाइफ कि वो बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है, इसलिए वो रिस्क लिया। सेकेंड ये है सर कि बिरयानी जो भी मैंने पटना में पिछले 5-6 सालों में खाया है वो मन पे आया नहीं, स्वाद मतलब बिरयानी वाली फीलिंग नहीं आई सर। तो इस वजह से हमने सोचा खुद का अपना एक इन्वेंट करेंगे स्वाद और उसको हम लोगों को खिलाएंगे। ये कितना मुरादाबादी भी नहीं है, ना मुरादाबादी है ना कोलकाता है, ये सबसे डिफरेंट है। ये सर कपल बिरयानी, कपल बिरयानी, इसको कपल बिरयानी कहते हैं। तो आप लोग कपल बिरयानी खाने आना चाहते हैं तो मरीन ड्राइव जरूर आइए। ये मतलब ऐसी बिरयानी ऐसा है सर कि यहाँ पे आपने तो नहीं खाया होगा। अच्छा, ऐसा बिरयानी पटना में नहीं? बिल्कुल, और ना ही हैदराबादी। स्पाइसी है बट ये हैदराबादी बिरयानी भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। कब स्टार्ट किया था आपने सर? हमने 2 दिसंबर को स्टार्ट किया था सर, 2022 को। सर फर्स्ट डे जब हम आए थे तो पहले तो आधे घंटे गाड़ी में ही बैठे रह गए थे कि बाहर निकलने में अजीब सा लग रहा है। बट फर्स्ट डे 12 लाख की जॉब छोड़ के जॉब से निकलने के बाद फिर लगे कि रोड पे आके फिर बिरयानी को बेचना, फिर थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। करेक्ट। लेकिन वो ऑकवर्ड कैसा, मतलब कैसा हुआ पहला दिन? फिर सर हिम्मत, हमने एक दूसरे को हिम्मत दिया और उसके बाद फिर सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। फर्स्ट डे सर केवल 4 हाफ प्लेट बिरयानी निकली थी हमारी। अपने फर्स्ट डे सर एक्सपेरिमेंट के लिए सर हमने 30 फुल प्लेट्स लिए थे। अच्छा। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो बच गया था सर हमने सबको बांट दिया, और शायद वही दुआ काम आई है सर जो हमें अच्छा। अच्छा, अभी भी बसता है तो क्या करते? अभी भी बसता है सर, तो सबसे पहले अगल बगल वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों से पूछते हैं कि आप खाओगे तो खा लो, और अगर नहीं मान लेते उसके बाद भी बच गया तो बहुत सारे डॉग्स भी हैं उनको भी खिलाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल हमारे घर के रास्ते में आता है वहाँ भी, और फिर भी अगर बच गया सर, वैसे इतना होता नहीं है, तो हम सर स्टेशन के रास्ते जाते हैं और जो भी रास्ते मिलता है उनको रोक रोक के पूछ पूछ के खिलाते हैं। तो गाइस मतलब बिरयानी खिलाने के साथ साथ जो ह्यूमैनिटी वाला काम होता है वो भी कर रहे हैं। ये नहीं कि खाना वेस्ट होने देते हैं, खाना वेस्ट नहीं हो इसलिए बांट देते हैं जाके लोगों में। फिर इसके अलावा हमारे पास कबाब है, चिकन टिक्का है, कलेजी पथरी है। फिर अभी आपको पूरे बिहार में सर कहीं भी एक कबाब नहीं मिलेगा। एक कबाब, एक टिक्का हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए गाइस, इनकी ये स्टोरी थी। तो ये दोनों एक प्यारे से कपल हैं, और आप लोग आइए मरीन ड्राइव के पास, पूरा मेकिंग आप देखिए तब तक बिरयानी का। लास्ट में आपको टेस्ट करके बताते हैं, और एड्रेस वगैरह फिर लास्ट में आपको पूरी तरीके से अच्छे से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग? सर अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अच्छा। इसमें हमने दही डाल रहे हैं, दही को। अच्छा, और तो कितना दही डालते हैं? कितना चिकन? अराउंड सर 700 ग्राम्स। अच्छा। टोटल दही। चिकन कितना बन रहा है? चिकन अराउंड सर 13 किलो है। इसके बाद सर हम लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। तो सारा होममेड रहता है ना? सारा कुछ होममेड, बस दही जो आपने देखा और चिकन, ये हम बाहर से लाते हैं, और चिकन भी सर हम खुद से कटवाते हैं अपने सामने में, ये नहीं कि घर पे पहुंचा दो। इसके बाद सर हम इसमें हल्का सा हल्दी मिलाएंगे। हल्का हल्का इसलिए डाल रहे हैं सर क्योंकि फिर जब हम चिकन प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पे भी हमें मसाले डालने होते हैं। ये बिरयानी मसाला डाला है सर। बनाता कौन है? ये बनाती हैं कि आप बनाते? सर मैरिनेशन मेरा होता है, बनाती हैं सर। अच्छा। कभी कभी सर जब टाइम की दिक्कत होती है तो इनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सर मैं बना देता हूँ। अच्छा, तो ये भी पूरा मैरिनेशन का प्रोसेस। और इधर कौन सा चिकन? ये सर हमने कबाब अलग किया हुआ है, इसका मैरिनेशन हो गया है सर। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे सो दैट मसाला इसके अंदर हल्का हल्का आ जाए। कितने देर छोड़ते हैं? सो ये सरसों तेल जा रहा है, फॉर्च्यून कच्ची धनी। सो अब हम बरिस्ता कर रहे हैं फ्राई। देख सकते हैं बरिस्ता रेडी है और इधर चिकन मैरिनेट हो गया है। हम इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं बिरयानी के लिए, और ये अभी प्याज जाने वाला
प्याज का यूज काफी कर रहे हैं आप लोग ना, प्याज जो गलेगा सर वही मजा आएगा। तो अभी इसको कितना फ्राई करने वाले हैं आप लोग? आधा घंटा तो सर हाई फ्लेम पे करेंगे और उसके बाद ये उस लायक हो जाएगा कि इसमें फिर चिकन डाल सके। अब इसमें सर मसाले डालेंगे, सबसे पहले तो लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, इसमें ग्रीन चिल्ली भी मिक्स है, मेन टेस्ट यही लाता है कोई भी खाना है उसमें लहसुन का पेस्ट काफी इम्पोर्टेंट होता है। नमक स्वाद अनुसार ये पूछेंगे नहीं तो बोले हम साबुत खरीदते हैं और पीसते हैं खुद से सर, कोई हिडन सीक्रेट नहीं है सर। सर ये है आपको धनिया पाउडर और ये हल्का सा बिरयानी मसाला, बिल्कुल घर में देसी तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, इनका अलग टाइप है। थोड़ा सा हल्का सा पानी डालें कि नीचे मसाला सटे नहीं, काफी सिंपल सा तरीका है, देखने में सिंपल है लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी होगा। अब इसके बाद चिकन जाएगा, ये थोड़ा सा गल जाएगा, जब पूरा टेस्ट एक दूसरे में आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। फाइनली प्याज गल के रेडी है, अब इसमें चिकन जाएगा, मैरिनेटेड चिकन, मैरिनेटेड 1 से 2 घंटा तक ये मैरिनेट हुआ है और पीसेस काफी अच्छे हैं। एक प्लेट में कितना पीस देते हो आप लोग? सर फुल प्लेट में 2 अच्छा। और हाफ में एक। देख रहे हो पीसेस भी बड़े बड़े हैं। अब इसको कितना देर फ्राई करने वाले हैं आप लोग? इसको सिर्फ भूनेंगे सो दैट मसाले का टेस्ट जो है प्रॉपर चिकन में आ जाए। अच्छा, और इसमें पानी नहीं डालेंगे एकदम? नहीं नहीं, के बाद दम पे जाएगा उसमें जी। इसमें सर चावल पहले पकेगा अभी। अच्छा, अब इसमें चावल डालेंगे। इस तरीके से चलाना है कि पीसेस भी ना टूटे और नीचे सटे भी नहीं। ये क्या आप जाने वाला? घी, घर की घी, बिल्कुल घर का, गाय का रहता है ना कि जी सर, खुद से बनाया हुआ, खुद से छाली से निकाला। हाँ सर, अरे बाप रे, घर वाला पूरा टेक्निक लगाया है। और घर खड़े मसाले जा रहे हैं और ये देखिए जितना भी गरम मसाला होता है खड़ा वाला वो डाला गया। पानी जाने के बाद इसको खोलाइएगा, फिर चावल डालिए जी। बिल्कुल कलर जैसा कि आप देख रहे हैं कलर इसमें आने लगा है, तो भी लगभग ये रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चावल के लिए पानी खोलने लगा है, 3 घंटे हो गए। अब इसमें नींबू डाल रहे हैं सर, सो दैट चावल थोड़ा खिला खिला फ्रेश रहे। शानदार है। कौन सा चावल यूज करते हैं? जो बिरयानी में बेस्ट होता है सर, चावल वही यूज करते हैं। काफी दाना देख सकते हैं, चावल काफी शानदार है, तो टेस्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। चावल रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं इसको, अब एक अलग भगोने में रख रहे हैं, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाए और फिर दम लगाएंगे। सो अब इसमें हम सर घी डाल रहे हैं। अच्छा, अब क्या होने वाला है? लेयरिंग होगा ना? हाँ, अभी लेयरिंग करेंगे सर। ये देखिए गाइस, चावल गर्मा गर्म 80% कुक है। ये क्या डाल रहे हैं अभी? सर ये हल्का सा फूड कलर डाल रहे हैं। और ये देखिए धनिया पत्ता आ गया और ये बरिस्ता काफी अच्छे से क्रिस्पी हुआ है, ये हर लेयर में जाता है सर। अच्छा, हल्का सा ऊपर से क्या डाल रहे हैं? अच्छा, अब हम इसमें चिकन पीसेस डाल रहे हैं। तो ये मतलब पूरा कुक हो गया है क्या? नहीं सर, ये लगभग कुक है। अच्छा, तो दम कितनी देर करते हैं सर? 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट जी। थोड़ा और ये अलग ही टेस्ट रहता है, पूरे पटना में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे जरूर एक बार आके ट्राई करिएगा। सेकंड लेयर चावल का, फिर इसके ऊपर भी चिकन डालिएगा। 2-4 लेयरिंग और चिकन के बाद फिर चावल डालेगा। अच्छा, फिर चावल डालेगा। ये देखिए लास्ट लेयर लगने वाला है राइस का फाइनली। लास्ट लेयर से अभी जा रहा है बरिस्ता और धनिया पत्ते का, बस इसके बाद दम लगेगा। इसके बाद इसमें हल्का सा गुलाब जल। अच्छा, गुलाब जल गया ये, और ज्यादा यूज नहीं करते हैं, नहीं, बस हल्का सा, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा इसी का टेस्ट आने लगेगा तो फिर खराब लगेगा, ओवर पावर होने लगेगा बिरयानी के ऊपर। अब 25 मिनट के लिए इसे दम कम आंच पे दम लगाया जाएगा और उसके बाद बन के रेडी है। डायरेक्ट मिलते हैं अब इनके शॉप पे। ये गाइस देखिए, घर से प्रिपेयर हुआ बिरयानी आ चुका है। तो कौन कौन से पीसेस रहते हैं इसमें? बेसिकली लेग रहता है, विंग्स रहता है, सारे पीसेस जिसको जो मन किया वो ले लिया। तो ये हाफ प्लेट में कितना? 1 पीस। हाँ सर, हाफ प्लेट में 1 पीस, फुल में 2 पीस। और ये देखिए काफी टेस्टी दिख रहा है। ये देखिए प्याज आया है इसमें, और ये देखिए बूंदी रायता है ये ना? हाँ सर, बूंदी रायता। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज है? नहीं सर, ये फ्री है, मतलब कम्प्लीमेंट्री है। ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन जो चटनी। हम लोग बनाते हैं। अच्छा, सारा कुछ घर का रहता है गाइस, आपने देखा होगा वीडियो में। एक ये हाफ प्लेट है, और कितने रुपए प्लेट है? 80 रुपीज का हाफ है, और ये काफी टेस्टी सा बिरयानी है। ये टेस्ट करते हैं अभी से।
बाप रे, क्या गजब का एरोमा है गाइस, एक नंबर। सबसे पहले ये देखिए बूंदी रायता, और ये देखिए प्याज के साथ जो घर का धनिया का पत्ता का चटनी है वो काफी शानदार है। तो सबसे पहले इसी तरह से आपको चिकन दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला अंदर जा चुका है, मसाला एकदम अच्छे से जूसी है। थोड़ा पास में दिखाइएगा, ये देखिए काफी अच्छे से टूट रहा है चिकन और अच्छे से पक रखा है, तो काफ़ी शानदार है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं, चिकन का पीस लेते हैं। और मसालेदार बिरयानी होती है इनकी, बताया थोड़ा स्पाइसी होता है। तो ये देखिए स्पाइसेस वगैरह आपको दिख रहे होंगे, मसाला वगैरह दिख रहा होगा, तो मसाला लेंगे, ये सिंपली मिलाएंगे और ये बाइट बना एक अच्छा सा। बिरयानी खाने का मज़ा हाथ से ही है। इसका टेस्ट ना लास्ट में आपने देखा होगा, थोड़ा सा हल्का सा केवड़ा वाटर और गुलाब जल डाला गया था, उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और जो मसाले का टेस्ट है काफी लाजवाब आ रहा है, मतलब जो गरम मसाला इन्होंने यूज किया है वो भी काफी अच्छा टेस्ट दे रहा है। और जो मसाला है इसमें लगेगा आपको कि ज्यादा मसालेदार है, लेकिन जो मेनली है ना इसमें मसाला सारा कुछ प्याज से बना है, तो प्याज के चलते मसाला ज्यादा लगता है। इसमें जो टेस्ट आ रहा है मसाले के साथ स्पाइसीनेस का, वो भी काफी शानदार लग रहा है। पटना में ऐसा बिरयानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे खासकर सूखा बिरयानी एकदम नहीं पसंद, मसाले वाला बिरयानी काफी अच्छा लगता है, टेस्ट एक नंबर है। अब इसे ट्राई करेंगे रायता के साथ, रायता के साथ खाने का अलग ही मजा है। ये देखिए रायता डालेंगे, हल्का सा प्याज डालेंगे और पीस तोड़ेंगे इसमें से और मिक्स करेंगे अच्छे से। और बिरयानी खाने का बताया ना हाथ में ही मजा है। मतलब दुगना हो गया टेस्ट, और रायता और इनका चटनी है वो भी लाजवाब है, मतलब एक नंबर, अलग ही टेस्ट है। मतलब पूरे पटना में आप लोग, इंडिया में मैंने बहुत जगह खाया है बिरयानी, ये जो बिरयानी है ना लिख के देता हूँ बिल्कुल अलग टेस्ट दे रहा है। आप कभी मरीन ड्राइव घूमने आते हैं, ये पूरा घूमने वाला एरिया है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ये बहुत ही अच्छा जगह है। शाम में लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, हैंग आउट करने आते हैं, तो आप लोग भी हैंग आउट करने आते हैं तो यहाँ का बिरयानी टेस्ट करना ना भूलें। बात करें प्राइस की, मात्र 80 रुपए में इतना सारा क्वांटिटी मिलता है। तो चलिए इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो भी चिकन लवर है, जो लोग बिरयानी खाते हैं, क्योंकि बिरयानी इज लव फॉर एवरीवन, जो लोग चिकन लवर है, तो प्लीज उन्हें शेयर करें जाके, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, यहाँ पे व्हाइट बटन होगा, लाइक कर दे वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।